नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सच्चे सपूत और राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनके बारे में बात करते ही हमारे शरीर के अंदर में गुदगुदी आ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ कभी कभी बात करते करते अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि हम जो यहाँ बोल रहे हैं ना, आपके सामने जो खड़े हैं, तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ही देन है जिसके बदौलत हम यहाँ बोल रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, इनके बारे में जितनी भी बात किया जाए कम ही है। इनके ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में हम अभी बात करेंगे। इनके बारे में पूरा बात करना संभव ही नहीं है, घंटों लग जाएंगे, कई दिन बीत जाएंगे। हम आज बात करेंगे सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हम आज आपको बताना चाहते हैं। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म गुलाम भारत में हुआ था, तब वो मध्य प्रदेश हुआ करता था, मऊ में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। बचपन से ही ये लगातार संघर्ष करते रहे और इनको संघर्ष करने के दौरान ही इनको इतना मजबूत इंसान बना दिया। कहा जाता है कि संघर्ष इंसान को बहुत मजबूत बना देता है, और वाकई में इतना संघर्ष इन्होंने किया कि जब हम अपना दुख देखते हैं तो इनके सामने एकदम छोटा सा, बहुत ही छोटा सा दर्द और दुख दिखाई देता है। हमारा दुख कितना कम था, उनका कितना ज़्यादा था, और उसमें उन्होंने समाज की सेवा की, मानवता की सेवा की, दुनिया की सेवा की। दुख इतना बड़ा था कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके पिताजी जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा था। कहा जाता कि नीची जात का ये पढ़ेगा कैसे। बाद में बड़े संघर्ष करने के बाद इनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन जब वो क्लास करने जाते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इनको देख करके क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, और मतलब हल्ला करते हुए और चिल्लाते हुए भागते हैं। अब सोचिए, छोटा छोटा बच्चा जो मौज अभी 6 साल और 7 साल का ही है, वह बच्चा भीमराव अम्बेडकर को देख के भाग जाता है। मतलब उसके अंदर में भी छुआछूत भरा हुआ है, उसके अंदर में जातिपात भरा हुआ है इतने छोटे छोटे बच्चों में। अब ये जो बच्चा है उसके अंदर में कहाँ से आया। अभी तो वो ठीक से पैंट भी नहीं पहन रहा है। 6-7 साल का बच्चा क्या होता है, ठीक से पैंट भी उसको पहनने नहीं आ रहा है, उसको पिछवाड़ा ठीक से धोने नहीं आ रहा है, वो भाग रहा है। उसको क्या पता है कि छुआछूत क्या होगा और जातिवाद। इसका मतलब है कि उनके गार्जियन ने, उनके माता पिता ने, उनके समाज ने, उनके भाई बंधुओं ने उसके अंदर में भरा है। तो कहने का मतलब है कि आपका समाजीकरण किस तरह का हुआ है वही आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करेगा। अगर शुरू में ही कल्पनाओं को भर दिया गया, कट्टरता को भर दिया गया, धार्मिक अंधविश्वास को भर दिया गया, जातिवाद को भर दिया गया, संकीर्णता को भर दिया गया, तो वो उसी तरह के व्यक्तित्व लिए हुए बाद में पैदा होंगे। ऐसे ही लोग जब शिक्षक बन जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, फिर भी भेदभाव करते हैं। वो जातिवाद का कीड़ा और वो संकीर्णता का कीड़ा उनके अंदर काटते रहता है और वो भेदभाव करते हैं। हमने बहुत सारे शिक्षकों को देखा है, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी को देखा है जो जातिवाद के आधार पर अभी भी भेदभाव करते हैं। हालांकि अधिकांश लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, और वो कुछ लोग भी क्यों करें, क्यों करना चाहिए था उनको। भारत के संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप भेदभाव करिए, लेकिन फिर भी वो करते हैं। वह अपने जाति पे गर्व करेंगे कि गर्व है। अरे कैसा गर्व है यार, तुम भी तो होमो सेपियंस ही हो। अंग्रेज जब आए थे उस समय दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए। वो सबको भेदभाव के नज़र से देखते थे अंग्रेज। अंग्रेज तो पूरे भारतीयों को एक ही समझते थे, सबको वो काला समझते थे, सबके साथ वही व्यवहार करते थे। इसलिए उस समय जब तुलना हो रहा था, दलित लोग जब तुलना करते थे जो सवर्ण लोग थे, जो तथाकथित सवर्ण उच्च जाति के लोग दुनिया में विचरण करने वाले लोग को देखते थे कि उनके साथ भी वही भेदभाव होता है जो हमारे साथ होता है। अंग्रेज सबको एक ही पालों में जोत रहा है, तो उनको थोड़ा आनंद मिलता था कि अच्छा है। अंग्रेज कहते भी थे कि ये क्या होता है दलित, और ये क्या होता है ब्राह्मण, तुम सब काले ही हो, तुम सब निकृष्ट हो, तुम सब घटिया हो, वो कहते थे अंग्रेज। तब इनको एहसास हुआ कि अरे तेरी के, हम ही अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, यहाँ तो कोई और भी अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है। तब इनको समझ में आया, तो धीरे धीरे बदलाव भी आना शुरू हुआ। गांधी जी तक को वर्ण व्यवस्था में विश्वास था, वो भी वर्ण को नहीं तोड़ना चाहते थे। 1932 की बात है जब पूना पैक्ट हुआ, उसमें क्या था, ये सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर, जिसको मान लिया गया, कम्युनल अवार्ड के रूप में उसको दिया भी गया। गांधी जी ने यरवदा जेल में इस पे आंदोलन कर दिया, अनशन कर दिया, और अनशन भी लगातार चलने रहा। अंबेडकर जी भी धीत पे अड़ गए कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी काम था और ये होना चाहिए था, लेकिन गांधी जी नहीं माने। वो बोल रहे कि तो हिंदू धर्म ही टूट जाएगा।
मरने की स्थिति में पहुंच गए। उनको जान बचाने के लिए अंबेडकर जी को उनके साथ समझौता करना पड़ा और 147 सीटें आरक्षित किया गया दलितों के लिए, सिर्फ उनके जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगर वो मर जाते गांधी जी तो क्या होता, विद्रोह पैदा हो जाता, सवर्ण लोग हो सकता है दलितों पे अत्याचार करना और ज़्यादा तेज गति से शुरू कर देते। ये डर था उनको कि ऐसा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हम जो समाज निर्माण करना चाहते हैं, जो समाज में बदलाव चाहते हैं वो नहीं होगा। हालांकि बाद में गांधी जी को भी एहसास हुआ कि हमें भी दलितों के लिए, हमें भी उनके लिए काम करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ करके ऐसे ऐसे चीज़ों को बनाते हैं। बाद में उनका विरोध होता है कि हरिजन क्यों, हरिजन कहने से क्या मतलब है, के रिश्ता भी है और कई बार तो इनके एक दूसरे के विरोधी रिश्ता है। आप देखेंगे कि जब संविधान बन रहा था तो अंबेडकर जी और पटेल साहब गांधी जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि संविधान बनाने के लिए हमें कुछ विदेशी चिंतकों की ज़रूरत है, फिलोसफर की ज़रूरत है। तो गांधी जी ने कहा था कि भीमराव अंबेडकर से बड़ा फिलोसफर कहाँ है कोई दुनिया में, उसको क्यों नहीं बुला रहे, उसको नहीं बुलाओगे तो संविधान ही नहीं बना पाओगे सही सही, इसलिए उनको बुलाओ। तब जाकर के अंबेडकर जी को भी शामिल किया गया और संविधान बना और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना। और देखते हैं कि संविधान जब बना और उसको जब लागू किया गया तभी इस देश के अधिकांश लोगों की जिंदगियां बदल गई, उन्हें अकस्मात अधिकार मिल गया, उन्हें समानता का अधिकार मिल गया, स्वतंत्रता का अधिकार मिला और पूरे दुनिया के मानवता को एक संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा होता है मानवता, इंसानियत, किसी भी धर्म से बड़ा होता है, कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता है। महान विचारक थे, ये हमेशा कहते थे कि क्रांति हमेशा विचारों से आती है, कोई बंदूक से नहीं आती है। और अपने दिमाग को इस लायक आपको बनाना चाहिए कि विचारों को जल्दी जल्दी पैदा करें और उस विचारों को प्रचार करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, उसको एक कहानी नुमा बनाना पड़ता है, उसे एक ऐसा एक तीक्ष्णता उसमें देनी होती है और लोगों के बीच पहुंचानी होती है और लोगों को उस तरह से कार्य करने के लिए, उस तरह से एक्ट करने के लिए, उस तरह से व्यवहार करने के लिए उसको तैयार किया जाता है, तब क्रांति आती है। इसीलिए वो कहते थे कि शहीद के खून से भी ज़्यादा कीमती होता है विचार, क्योंकि विचार हजारों शहीदों को पैदा कर सकती है। उसी तरह से वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो बराबर कहते थे कि हमारे जो ये स्थिति अभी है, उस समय उनको इतना भेदभाव का सामना करना पड़ता था कि कहा जाता है कि परछाई तक से लोग भागते थे और इतना छुआछूत था कि लोग छूने से डरते थे, परछाई से डरते थे, उनको पानी भी दिया जाता था तो इस तरह से ऊपर से फेंक करके, वो स्थिति था। समाज में इनको पैसे इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं थी, संसाधन इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, बात करने की स्वतंत्रता नहीं थी, संस्कृत पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, मतलब वैसी विचित्र स्थिति थी उस भारत में। कहाँ पे, हमारे ही भारत के अंदर में था, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बहुत महान संस्कृति रहा है, लेकिन कैसी संस्कृति रहा है, कभी कभी तो आपको इस संस्कृति को पढ़ के आपको शर्म आने लगेगा कि किस तरह की संस्कृति थी वो, आपको रोना आएगा, आपको लगेगा कि ये कैसा संस्कृति हमने बना रखा था। तो अगर आप वाकई में इस तरह से फील करते हैं तो वाकई में आप अच्छे इंसान बनने की ओर अग्रसर है, और ये फील ही नहीं करना चाहते हैं तब तो फिर आप जो है वो वही के वही रह जाएंगे। तो इनको एक दार्शनिक भी कहा, भी कहते हैं कि हमारी जो पराधीनता और हमारा जो ये निकृष्ट स्थिति है उसके पीछे धर्मशास्त्र बहुत बड़ा जिम्मेवार है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, उसके भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गए, जंघा से वैश्य पैदा हो गए, और वो जो तलवा होता है नीचे उससे शूद्र पैदा हो गया। अरे भैया, ब्रह्मा के इनमें छिद्र है क्या, सबको ही जो है वह अपने माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। तो जब भीमराव अम्बेडकर जब पैदा हुए ना तो ये चारों छिद्र पे बिल्डिंग कर दिया, परमानेंट बिल्डिंग कर दिया, ब्रह्मा के मुंह में भी और भुजा में भी और जांघों में भी, और कहा कि बच्चा जो पैदा होगा ना वो सिर्फ माँ के गर्भ से पहले भी पैदा होता था, आज भी पैदा होता है, ये बायोलॉजी कहता है, ये आपको भी पता है, लेकिन उसके बाद भी भेदभाव होता है जाति के आधार पर, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। हम होमो सेपियंस जाति से अफ्रीका में पैदा हुआ, धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैले, ये तो सब जानते हैं, हम सर्वभक्षी हैं, हम एक तरह से स्तनपाई जीव है, हम क्या जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे, ये जो छुआछूत है ये क्या है, ये तो मानव के द्वारा बनाया हुआ है, ये धर्म पुस्तक भी कहाँ और भगवान कहाँ पैदा होते हैं। उन्होंने कहा है कि इस खोपड़ी के अंदर में जो ब्रेन होता है ना उसी में पैदा होता है, हम ईश्वर को पैदा कर लेते हैं, हम धर्म को पैदा करते हैं और उसके आधार पर
जो कुछ चालाक वर्ग होते हैं वो दूसरे पे शासन करते हैं, हमको सबसे पहले इसी को तोड़ना होगा। इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति की होली जला दी थी और कहा था कि ये इसको ख़त्म होना चाहिए, ये समानता बंधुत्व और भाईचारा के विरुद्ध है, इसको ख़त्म करो। हमको दुनिया में एक सबसे सुंदर दुनिया बनाना है, आने वाली पीढ़ी को हम क्या मुंह दिखाएंगे, और अभी जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है उसके साथ न्याय कैसे करेंगे। इसके लिए हमें एक ऐसी पुस्तक की ज़रूरत है जो सबको समानता देता हो, न्याय देता हो। इसीलिए तो संविधान सभा के और प्रारूप समिति के अध्यक्ष उनको बनाया गया था, क्योंकि संविधान सभा में उससे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आदमी, 60 देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा था और तब जाके भारत के संविधान को उन्होंने लिखा था। बीएन राव ही थोड़ा बहुत इनके सामना कर सकते थे, नहीं तो बाकी कोई भी इनके सामने टिक नहीं सकता था, इतने बड़े विद्वान थे ये। ओशो ने तो कहा कि पिछले 5000 सालों में इससे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, इस धरती का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है ये। साथ ही साथ वो एक पत्रकार थे, उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने पत्रिकाओं को भी निकालना शुरू किया था। उन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं को निकाला, 4-5 पत्रिका तो इनका बहुत फेमस रहा है, और उन्हें कई सारी पुस्तकें लिखी और लोगों के को जा करके ये व्यवहारिक रूप से बताते थे। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया, ये समाज सुधारक थे। इन्होंने एक 1927 में एक आंदोलन किया था जहाँ पे दलितों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, वहाँ पे जाके इन्होंने आंदोलन किया। हालांकि बाद में स्वर्ण लोग आकर के लाठी चार्ज कर देते हैं और बाद में वह उस तालाब को पवित्रीकृत करने के लिए वहाँ पे हवन वगैरह करते हैं। ये सब देख करके ये एकदम विक्षुब्ध हो गए थे भीमराव अम्बेडकर साहब, और आप भी अगर रहते तो आप भी विक्षुब्ध हो जाते, आपको भी समझ में नहीं आता कि हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं, हमने कैसा समाज बना दिया है। आप गर्व करेंगे? गर्व तो नहीं करेंगे, आपको शर्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे, ये कहते थे कि समाज को पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, और तब तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। शिक्षित ही नहीं बनोगे, अपने अंदर ज्ञान ही नहीं भरोगे, समझोगे कैसे, कैसे क्या करोगे, तो पहले तो शिक्षा लेना पड़ेगा ना, पहले तो समाज को समझना होगा, तभी तुम संगठन बना सकते हो, तभी तुम संघर्ष कर सकते हो। अपने तर्क को इतना तीव्र कर लो कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाए, सबको अपने तर्क से नेस्तनाभूत करो। इसीलिए वो कहते थे शिक्षित बनो। वो बहुत बड़े मोटिवेटर थे, इतने बड़े मोटिवेटर था कि इनकी बात को सुन करके शरीर में आग लग जाता है, लगता है कि अब हम कुछ करना चाहते हैं। इनके किताबों को आपको पढ़ना चाहिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको, आपको लगेगा कि हमारा दुख कितना कम है। कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, जब इनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके सामने हमारा दुख तो 1% भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। इन्होंने पूरी जिंदगी समाज के लिए ही समर्पित कर दी। अब देखिए, ये क्रांतिकारी तो थे ही, इनकी लड़ाई दो दो फ्रंट पे थी, अंग्रेजों से भी लड़ाई थी और साथ ही साथ भारत के अंदर में जो भारतीय ही थे वो जो भेदभाव करते थे उनके विरुद्ध भी लड़ाई थी। ये हमेशा चाहते थे वंचितों को, दलितों को, जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके उत्थान के लिए काम करना होगा, क्योंकि भारत में ये बहुसंख्यक है और अगर अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक को दबा के रखेंगे समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता, देश का कभी भी भला नहीं होगा, राष्ट्र का कभी भला नहीं होगा। वो हमेशा महिलाओं की शिक्षाओं की बात करते थे, इसीलिए हिंदू कोड भी लाया था उन्होंने, आपको पता होगा देश के स्वतंत्रता के बाद इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, लोग इनको लाने नहीं दे रहे थे। वो कहते थे कि महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दो, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, तो महिलाओं को शुक्रगुजार होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर को कि उन्होंने उनके लिए भी काम किया था। साथ ही सिर्फ SC ST और सिर्फ उसके लिए नहीं था, अब ये मत समझिए कि सिर्फ दलितों के नेता थे, ये पूरे राष्ट्र के नेता है, यह OBC के नेता है, ये पूरे मानवता के नेता है। देखिए, अब राजनीतिज्ञ भी थे और साथ ही साथ वह राइटर भी थे, बहुत सारे किताबों लिखा जाता है, 30,000 से ज़्यादा किताब तो उन्होंने पढ़ डाला, ये पूरा का पूरा खुद में एक लाइब्रेरी है। इन्होंने इतने शब्दों की रचना की, इतने नए नए शब्दों की रचना की जिससे अंग्रेजी और हिंदी जो है रिच हुआ इनके कारण। तो आप समझिए, रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने रुपया के प्रॉब्लम के ऊपर इन्होंने किताब लिखी जिसके आधार पे हमारे देश के अंदर में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, इतने बड़े थिंकर थे। इन्होंने लेबर्स के लिए जो पहले 12-12 घंटे काम करवाया जाता था, 14-14 घंटे काम करवाया जाता था, उसके लिए नियम बनाया इन्होंने, कहा कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना होगा। इन्होंने लेबर लॉ बनाया और सबके भलाई के लिए काम किया। देखिए कितना महान विचारक, कितने बड़े दार्शनिक है जो इन्होंने ये काम किया, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है।
वो हमेशा कहते थे कि डिग्री महज एक कागज़ होता है, आपको समाज में रहना है, पहले समाज में जाके रहिए, अपनी सेंसिटिविटी को विकसित कीजिए। अगर आप समाज की समस्या को देख के विचलित नहीं होते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। इन्होंने हमेशा कहा कि हजारों साल की गुलामी को महज एक मिनट में, एक झटके में ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए सबको शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, विचारों को पैदा करो, बोलो, बोलना जरूरी है, संघर्ष करो, ये करना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र के एकदम विरोधी थे। आजकल बहुत ज़्यादा हिंदू राष्ट्र आप सुन रहे हैं, एक झंडा लेके लोग भाग रहे हैं, दूसरे कम्युनिटी को नीचा दिखा रहे हैं, उनके उनका झंडा हटा के अपना झंडा गाड़ दे रहे हैं और अपने आप को फूले नहीं समझ रहे। अरे बेहुदा, तुम चूतिया क्यों बन रहे हो, तुम नेताओं के शिकार बन गए हो। हमको तुम पे बहुत ज़्यादा तरस आता है, मुझे अंदर ही अंदर दुख होता है कि तुम कैसे शिकार बन गए, तुम तो टारगेट हो, तुम एक महज एक छोटे से प्यादे हो, माल तो वो मार रहे हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे, वो सारा संसाधन जुटा रहे हैं, वो बहुत शक्तिशाली है, तुमको एक महज एक प्यादा है, तुम तो कूट दिए जाओगे, पीस दिए जाओगे, एकदम कुछ नहीं हो, अभी भी सुधर जाओ, अभी समझो। भीमराव अंबेडकर होते तो कितना दुख होता उनको, वो हमेशा आलोचना करते थे कि जो हिंदुइज्म का झंडा भाँचते हैं या जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उस समय जो चल रहा था उसका वो विरोध करते थे। वो कहते थे कि तुम लोग कैसी दुनिया चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। तो उन्होंने एक किताब भी लिखी थी पार्टीशन पर, और उस पर उन्होंने मुस्लिम लीग की भी आलोचना की थी, और जो झंडा भाँचते थे हिंदू राष्ट्र बनाने का, उनकी भी आलोचना करते थे ये। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कदम कदम पे इनके साथ भेदभाव हुआ, इनके साथ हिंसा की गई, मारने तक की कोशिश की गई, लेकिन ये झुके नहीं। एक आजकल आप फिल्म जो देखते हैं ना कि मैं झुकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, ये आज का नहीं है। भीमराव अम्बेडकर कभी भी झुके ही नहीं किसी के विरुद्ध, और इसीलिए महान है, इसीलिए हम इनको याद करते हैं, इसीलिए इनको हम सत सत प्रणाम करते हैं। अन्याय का ये प्रतीक, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का ये प्रतीक है। इतना महान संविधान जो हमें दिया गया है, क्या हम उसके उनके समान आचरण करते हैं, क्या हम उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? क्या करेंगे आप, कैसी संविधान बनाना चाहते हैं, कैसा दुनिया बनाना चाहते हैं, कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें लोग नफरत करें एक दूसरे से, कि प्यार से रहेंगे? दुनिया में जो प्यार से रहता है वही प्रगति करता है। आज भी देखा गया है कि दुनिया में जो देश सबसे शांति है, शांतिमय देश है, वह देश बहुत आगे निकल गया, बहुत प्रगति कर गया। हम लोग महज ही अभी भी कुत्ता फजीती कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के आपस में उलझ जाते हैं, आपस में ही लड़ जाते हैं, हम लोग सीखते ही नहीं हैं। इनके भी विरोध करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब का, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं है, एक सर्वे हुआ था जिसमें भीमराव अम्बेडकर इस देश के किसी भी नेता से ज़्यादा लोकप्रिय है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी से भी ज़्यादा लोकप्रिय है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी ज़्यादा लोकप्रिय है। इसीलिए सारे राजनीतिक लोग इनको हथियाने के होड़ में लगे हुए हैं। आजकल सारे जो राजनीतिक लोग हैं वह भीमराव अम्बेडकर का फोटो जरूर लगाते हैं, खुद इनके अनुयायी भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो सच्चे आदर्शों पर चलते हैं? खुद ही कुछ लोग हैं जो भीमराव अम्बेडकर के कारण वो आरक्षण का लाभ लेते हैं, अच्छे पोस्ट पर भी जाते हैं और फिर अपने समाज को भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि आरक्षण जो है वो हमें सिर्फ वित्तीय लाभ लेने के लिए नहीं बना है, बल्कि उसका एक सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी है, उससे लोग मोटिवेशन लेते हैं। आपको समाज के लिए काम करना है, अपने समाज के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, आप स्कूल बनवा रहे हैं, अपने लोगों को कुछ आगे बढ़ाने के लिए कहीं पे कुछ किए हैं, उनको फ्री में कुछ शिक्षा वगैरह मुहैया करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, तभी तो माना जाएगा ना कि आप समाज को सुधार रहे हैं कि नहीं सुधार रहे हैं। हमें इसको देखना पड़ेगा। आज तो वो लोग भी इनके समर्थक हो गए जो कल इनका विरोधी थे, इनको विरोध करते थे। इनका कद इतना बड़ा हो गया है, आजकल सब जगह एक नारा चलता है, जय भीम जय भीम। उससे तो इतने भयभीत हो गए हैं कि उनको भी कहना पड़ रहा है जय भीम जय भीम। ये थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनको हम एक बार और प्रणाम करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।